तो और क्या हाल है भाई लोग। अब भाई बैकग्राउंड नॉइज और थोड़ी सी मेरी आवाज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि भाई सुबह सुबह उठा हूँ और उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है भाई कि वीडियो बनाना ही था मुझे। तो भाई सबसे पहले मैं आप सब लोगों को घटनाक्रम बता देता हूँ। तो भाई आप सब लोगों को पता है कि निनोंग एरिंग जी ने कुछ लेटर्स लिखे थे प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें उन्होंने मांग करी थी कि BGMI बैन होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए थे जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जिन लोगों को वो रीजंस देखना है तो मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और उनके ये लेटर लिखने के बाद बहुत ज्यादा बैकलैश उनको फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है। और ऐसे ही इनको ट्रोल करते हुए पारस ऑफिशियल ने भी एक वीडियो अपलोड करा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी इस तरीके से बोलना एक रेशियल स्लर है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला। तो पारस ऑफिशियल के इस वीडियो के बाद ये वीडियो पहुंची निनोंग एरिंग तक, और उसके बाद निनोंग एरिंग ने एक्शन लिया है। उन्होंने ईटानगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखा है जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, और थोड़ा सा ब्लरी है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें निनोंग एरिंग जी ने यही लिखा है कि उन्होंने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि क्यों BGMI भारत में बैन होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि उनके ऐसा करने के बाद बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी उनको लेकर, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई किया है पारस ऑफिशियल को, क्योंकि पारस ऑफिशियल ने रेशियल स्लर यूज करा है, तो इस बात को उन्होंने मेंशन करा है, और साथ ही वीडियो का लिंक भी दिया है। और उन्होंने इस बात को मेंशन करा है कि उनको चाइनीज बोला गया है, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और पारस ऑफिशियल का अगेंस्ट में एक्शन होना ही चाहिए। इसके बाद निनोंग एरिंग जी ने एक इंटरव्यू भी दिया अरुणाचल 24 को, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको भी जाके देखना आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हो। और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों BGMI बैन होना चाहिए, तो पहले आप वो सुन लो। अभी का जो लेटेस्ट जो पबजी का जो एक उसका रिप्लिका अभी वो अभी लॉन्च करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के, तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी। वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है ये कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है ये इट वाज चाइनीज कंपनी, और ये चाइनीज कंपनी जो है ये पहले भी पबजी को इसको चलाया था। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान हैं, तो उनका इसका क्या इफ़ेक्ट होता उनको पता नहीं है। जैसे पहले ब्लू व्हेल को बैन किया गया था, वैसे जितने भी 69 ऐप्स जो मैंने पहले भी प्रधानमंत्री को लिखा था, तो इसमें यही बात थी कि मैं इसको एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के बच्चों को जो पबजी का जो ये गेम है ये उन लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, एडिक्टेड कर देते हैं, और इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रग। एक बार आप एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसका खिलाफ है और हम कंप्लेंट किए थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि पारस ऑफिशियल के अगेंस्ट उन्होंने क्या एक्शन लिया है और क्यों एक्शन लिया है, आप सुन लो। उनका जो लड़का का पारस का जो हमारा खिलाफ वो बोल रहे हैं वो ठीक है, इफ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको एक चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है थ्रू आउट द कंट्री। मैं जानता हूँ चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, पूरा जो सिर्फ पूरा भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में हमारे बच्चे सब बाहर भी पढ़ते हैं, और हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। और इसमें जब आप जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये चीन जैसा लगते हैं, भारतीय जैसे भी नहीं दिखते हैं,
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा यहाँ मैरीकॉम है। तो भाई इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में पहले बोला करता था कि पहले इन्फॉर्मेशन लो फिर कुछ बोलो, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप कुछ भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ से आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते और यहाँ पे आपने जो भी करा है वो पब्लिक डोमेन में हमेशा के लिए अवेलेबल है। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सभी यूट्यूबर को, उन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, कि भाई कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले उसकी नॉलेज ले लो फिर कुछ भी करो, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज्यादा लोग पे FIR हो रही है, बहुत ज्यादा लोग अरेस्ट हो रहे हैं, आपको शायद पता नहीं चलता होगा। तो इस टॉपिक पे मैं किसी दिन एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि कितने ही यूट्यूबर अरेस्ट हो चुके हैं। तो खैर भाई बढ़ते आगे। अब भाई लाख टके का सवाल यही है कि क्या पारस ऑफिशियल अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब उसको पता चला कि उसके अगेंस्ट में एक्शन हुआ है तो उसके बाद उसने दो वीडियोस बनाई है, आप जाके देख सकते हो उसके चैनल पे भी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली वीडियो में उसने माफी मांगी है, उसने बोला है कि उससे गलती से हो गया और उसने उस पार्ट को भी ट्रिम कर दिया है और आगे से वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था जिसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, और उस वीडियो से मैंने वो सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है एंड मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज के लिए। मैं उस तरह से उस बात को बोलना नहीं चाहता था जिस तरह से वो लोगों को दिखा है, बट मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं आप सभी से जिनको भी बुरा लगा है उस वीडियो से एंड जो भी उस वीडियो को देख के इस वीडियो पे आ रहे हैं, जिनको भी बुरा लगा है उन सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ एंड मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी और मुझे नहीं पता था कि मेरे वो वर्ड यूज़ करने से इतने लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस तरह का वर्ड अपनी वीडियो में यूज़ ही नहीं करता। और उसके बाद और वीडियो अपलोड करी जिसमें उसकी मम्मी बोल रही है कि माफ़ कर देने के लिए उसके बेटे से गलती हो गई है। नमस्ते, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला, जो भी बोला गलत बोला। उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा, बच्चा है वो ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आप लोग सब मिलके। बहुत सुबह से परेशान भी था, बहुत दुखी भी था और दुख वाली बात भी है अभी। लेकिन तो भाई अभी आप लोगों ने सुना कि पारस ऑफिशियल की मम्मी ने बोला है कि चौकी से कुछ लोग आए थे और वो उसके बेटे को लेकर गए हैं, यानी कि पारस ऑफिशियल हो चुका है अरेस्ट। और यहाँ पे आपको और मुझे क्या फील होता है, क्या लगता है, वो सब ज्ञान देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई कानून अपना काम करता है, कानून सबसे ऊपर है। और भाई जो लोग भी इसके फेवर में अगेंस्ट में वीडियो बनाना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल सोच समझ के बनाना, खास करके जो इसके फेवर में वीडियो बनाएंगे वो बिल्कुल सोच समझ करके बनाना, क्योंकि रेशियल स्लर यूज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। इनफैक्ट किसी को आप अब्यूज भी करते हो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग भी इसके फेवर में वीडियो बनाएंगे तो भाई बिल्कुल सोच समझ करके बनाना। और भाई नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्राइडे को ई स्पोर्ट्स और घातक के टॉपिक पे। तो भाई बस ये वाली वीडियो अब एंड कर रहा हूं मैं यहीं पे, मिलूंगा आप सबसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।